इसके बारे में। और अक्षय जी और वाणी जी की जोड़ी पहली बार सिनेमा में सामने आ रही है, तो कैसा लगा आपको साथ काम करके? No, I was very happy. My father is actually a huge fan of Akshay sir, and so am I. Actually, everybody in our family knows, has practically, we watched all your movies. Thanks. But it was a blast. I think he's one of the funniest human beings in a good way. Like, but he's funny. He's a great sense of humor. He's a great actor. He's approachable. He takes care of his team, of everybody on set. You feel like a very family environment, you know. And I had it was a very new experience for me because we used to sit together, have lunch together, dinner together, offset, onset, all the time. Like, he was just like out there for you, you know, with his full support. So it was incredible. Great experience. Did you have a good experience? Yeah, I had a great experience working with Vani Kapoor. Vaniji is a beautiful girl. She, बुरा ऐसे लिख सकता हूँ, but I really enjoyed working with her. She's very talented. She's a wonderful actress. जो मतलब मैं कहूँगा, जो मैंने अपनी 40वीं फिल्म के अंदर सीखा था, मतलब एक्टिंग कैसे करता था मैं, वो इसने पहली या तीसरी फिल्म में ही कर लिया। लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी, हिमांशु, जहाँ भी हो, जहाँ भी हो। दो इंसान जानते हैं, एक भगवान जानता है, रोहित शेट्टी जी जानते हैं, तो नहीं पता कब आ रही है, वो ही बताएंगे अभी कब आ रही है, लेकिन मुझे लगता है बहुत जल्द आई जानी चाहिए अब, क्योंकि सारे सिनेमास खोल रहे हैं आहिस्ते आहिस्ते, तो जैसे ये खत्म हो जाएगा मुझे लगता है आ जाएगी चाहिए अगले महीने या अगले टू अगले महीने, जैसे भी होगा मुझे भी पता लग जाएगा, आपको बता दूंगा मैं। और कुछ? थैंक यू मैडम। कब से बोल रही है प्लीज पूछिए आप। क्वारंटीन में रहना पड़ा, उसके बाद हमने शूटिंग की और फिर शूटिंग करके 90% फिल्म वहाँ शूट करके यहाँ आ गए। संदेश, ये एक ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड है, तो उस वक्त क्या हुआ था वही संदेश दे रहे हैं, वही आपको बता रहे हैं कि क्या क्या हुआ था, और आप देखिए उस वक्त कैसे जो हमारे स्पेशल एजेंट्स थे उन्होंने कैसे काम किया था।